A very good morning, students. Today I am going to teach you about different elements of food and their digestion. भोजन के विभिन्न अवयव तथा उनका पाचन. चाहे कोई शाकाहारी हो या मांसाहारी, जो भी हम भोजन लेते हैं उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं. उनका डाइजेशन किस तरह से होता है, उसका पाचन किस तरह से होता है, उसको हम बताएंगे इसके बारे में. तो भोजन मांसाहारी हो या शाकाहारी, अथवा ठोस या सरल, तरल इसमें मुख्य रूप से मंड, स्टार्च, प्रोटीन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसाएं यानी फैट्स आदि पाए जाते हैं. इन अवयवों का पाचन किस तरह से होता है, तो ये तीन तरह से इनका पाचन होता है. नंबर वन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुखगुहा में लार से स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है. मुखगुहा में उपस्थित टायरिन नामक एंजाइम, हमारी मुखगुहा में उपस्थित टायरिन नामक एंजाइम मंड पर यानी स्टार्च पर क्रिया करके जटिल शर्कराओं को सरल शर्कराओं में तोड़ देता है, यानी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर्स में तोड़ देता है. यहाँ स्टार्च से माल्टोज, सुक्रोज बनते हैं. जैसे रिएक्शन में दिखाया गया है, स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ टायरिन कन्वर्ट इनटू सुक्रोज. स्टार्च मंड का पाचन आमाशय यानी स्टमक में नहीं होता है. शेष मंड का पाचन गृहिणी में अग्नाशी रस की एमाइलेज एंजाइम द्वारा होता है. यहाँ भी जटिल शर्कराएं बनती हैं. जटिल शर्कराओं का पाचन छोटी आंत में आंत रस के विभिन्न एंजाइम द्वारा होता है, जैसे माल्टोज का माल्टेज द्वारा, सुक्रोज का सुक्रेज द्वारा तथा लैक्टोज का लैक्टेज के द्वारा. इस प्रकार इनके पचने से ग्लूकोज या फ्रक्टोज जैसी जल में विलय तथा कोशिकाओं द्वारा ग्राह्य शर्कराएं बन जाती हैं, यानी जल में जो सॉल्युबल हैं यही शर्कराएं, यही शुगर्स का निर्माण होता है, जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं उनको ग्राह्य कर सकती हैं. नंबर सेकेंड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का डाइजेशन किस तरह से होता है, प्रोटीन का पाचन. प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में HCl अम्ल की उपस्थिति, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल की उपस्थिति में गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस में उपस्थित पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा होता है. इसके प्रभाव से प्रोटीन्स पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाते हैं. यानी प्रोटीन जो हैं पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाते हैं. इस तरह से रिएक्शन में दिखाया गया है, प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाते हैं. रेनिन भी निष्क्रिय प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है तथा HCl के संपर्क में आने पर एक्टिव रेनिन यानी सक्रिय रेनिन बदल जाता है. ये एंजाइम दूध प्रोटीन यानी कि मिल्क प्रोटीन कैसीन को बचाने का कार्य करता है. ये शिशुओं में यानी छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है. ये छोटे बच्चे शिशु बिल्कुल बेबी उनके गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है तथा दूध को फाड़ कर इनके प्रोटीन्स को अलग करता है. वयस्क मनुष्य में रेनिन का अभाव होता है, यानी एडल्ट्स में रेनिन नहीं पाया जाता है. मिल्क प्रोटीन कैसीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन पैरा कैसीन में कन्वर्ट हो जाता है. गृहिणी में प्रोटीन यानी हमारी जो ड्यूडेनम है उसमें प्रोटीन अवयवों पर क्रिया क्षारीय माध्यम
बाइल जूस के कारण, जो बाइल जूस निकलता है उसके कारण माध्यम में पैनक्रियाटिक जूस के ट्रिप्सिन नामक एंजाइम से होती है। इसके द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स आदि अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। इसमें रिएक्शन दिखाई गई है, प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। उस पर रिमेनिंग प्रोटीन जो है वो इरेप्सिन, एक एंजाइम है इरेप्सिन, उसकी प्रेजेंस में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर नेक्स्ट, थर्ड, डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का डाइजेशन मुख्यतः पित्त रस के लवणों द्वारा इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सीकरण के पश्चात ही होता है। लाइपेज एंजाइम इमल्सीकृत वसाओं पर क्रिया करता है। ये एंजाइम ग्रेडी यानी ड्यूडेनम में अग्न्याशयी रस में मिलता है। फैट्स के डाइजेशन में फैटी एसिड्स यानी वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल बनते हैं। यानी कि फैट्स का डाइजेशन होता है तो क्या बनता है, फैटी एसिड्स। फैट्स के डाइजेशन में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। यही वसा के पचे हुए घुलनशील स्वरूप होते हैं। ये घुलनशील स्वरूप में होते हैं। इसकी रिएक्शन, फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इस तरह से फैट्स का डाइजेशन होता है। थैंक यू।